कश्मीर की बेटी की रुखसती नहीं हो पाई थी। कल आपने सोशल मीडिया पर तस्वीरें देखी, हर किसी का दिल जो है वो रोने लगा, क्योंकि जैसा उस कश्मीर की बेटी के साथ हुआ था वैसा किसी के भी साथ ना हो। बहुत से लोग जो है वो सामने आए, उन्होंने सोशल मीडिया पर उस बेटी को इंसाफ दिलाने की कोशिश की। और आपको बता दें कि बिल्कुल आप लोगों की मुहिम रंग लाई और वेल डन हमें कहना होगा जम्मू कश्मीर पुलिस को। पुलिस ने जो है उस ग्रूम को अरेस्ट कर लिया जो अपनी शादी से भाग गया था। जी, वही दुल्हा जिसने अपनी दुल्हन को धोखा दिया, ये वही दुल्हा है जिसने 4 साल पहले निकाह किया था, बट जिस दिन रुखसती का टाइम था उस दिन वो भाग गया। और अब इस दूल्हे का परिवार, यानी सेकंड वर्जन की अगर बात करें, जो दूल्हे का परिवार है वो भी सोशल मीडिया पर सामने आया। सबसे बड़ी दाद देनी होगी कश्मीर के उन रिपोर्टर्स को जो उस दूल्हे के घर गए, जिन्होंने उस दूल्हे के माँ बाप से जो है वो पूछा कि आफ्टर ऑल आप क्यों नहीं आए, क्यों उस बेटी के हाथों में मेहंदी लगी हुई रहेगी, क्यों वो बेटी जो है आपके बेटे का इंतजार करती रहेगी। हालांकि उसकी माँ जो है सोशल मीडिया पर बयान देती हुई दिखाई दी, उसकी माँ ने ये भी कहा कि हम माफ़ी मांगते हैं, लेकिन जनाब आपकी माफ़ी मांगने से क्या होगा, उसकी आगे ही साथ साथ बेटियाँ हैं। और क्या कश्मीर में, अगर हम कहते हैं कि कश्मीर में ऐसे लोग रहते हैं जो इस्लाम पर चलते हैं, तो ऐसे आप देखिए कि किसी की बेटी को इस तरह से शादी के जोड़े में छोड़ जाना, हाथों में मेहंदी लगी हुई है, वो अपने दूल्हे का इंतजार कर रही है और दूल्हा जो है वो भाग गया। लेकिन अब आपको बता दें कि पुलिस ने उस दूल्हे और उसके बाप को जो है वो अरेस्ट कर लिया है और अभी उन पर जो है वो FIR भी लॉन्च की गई है और कार्रवाई हो रही है। आपको बता दें कि अगर इन्हें नहीं आना था, हर कोई ये सवाल पूछ रहा है कि उस गरीब और मजलूम बाप को इत्तला करते कि हम जो है वो बारात लेकर नहीं आ रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि शादी के दिन उसे यूनिवर्सिटी भेज दिया गया। ऐसा कौन सा दूल्हा है कि शादी के दिन वो यूनिवर्सिटी चला जाता है? लोग तो यूनिवर्सिटी से कितने दिन पहले ही छुट्टियाँ ले लेते हैं, लेकिन शायद इस दूल्हे का यूनिवर्सिटी जाना बहुत ज़रूरी था। यूनिवर्सिटी जाने के बाद ये दूल्हा वहाँ से वापस नहीं आता, ये दूल्हा जो है कहीं और चला जाता है और इसके पास फ़ोन भी नहीं होता। ये तो सामने पता चलता है कि एक प्लानिंग है। आपको बता दें कि बातों बातों में ये भी बात पता चली है कि ये दूल्हा अब उस 4 साल पहले निकाह को निकाह नहीं मानता। अरे जनाब, कोई इस दूल्हे को बताए कि जब निकाह एक बार हो जाता है तो वो निकाह ही रहता है, आप माने या नहीं माने। जब आपको एक बार आपने निकाह कर लिया, आप निकाह में हो गए, तो आप उसी के साथ निकाह में रहेंगे, आप माने या ना माने। अल्लाह को हाजिर नाजिर मानकर आपने उस बेटी से निकाह किया था, आपका कोई तलाक नहीं हुआ, फिर आप नहीं कह सकते कि मेरा निकाह उसके साथ नहीं हुआ। हालांकि बता दें बारात को 16 तारीख को आना था, 16 सितंबर 2023 को आना था, अगर आज मैं आपसे बात कर रही हूँ आज के ठीक 3 दिन पहले आना था। लेकिन सोचिए 19 तारीख तक दुल्हन का परिवार जो है वो इंतजार करता रहा। दुल्हन का परिवार वाजवान बनाकर, वाजवान कोई कम पैसों से नहीं आता, वाजवान बहुत महंगा आता है, सारी मीट के पकवान आप एक एक थाल की कीमत देखें तो हजारों में है, तो वाजवान पकाकर आपका इंतज़ार करता रहा। अगर आपको नहीं आना था, आप उन्हें इत्तला कर देते, उनके पैसे खर्चा नहीं होते, आपने अपने बेटे को भेज दिया यूनिवर्सिटी, उसके बाद में आपने अपने बेटे को कहीं और भेज दिया, आपके बेटे को बहुत ज़रूरी काम था, शादी से ज़रूरी काम किसी को नहीं होता। ये वही दर्द समझ सकता है जिनके घर पर बेटियाँ हैं, ये वही दर्द समझ सकते हैं जिनकी बेटियों को हाथों में मेहंदी लगी हो और उनका दूल्हा ना आए, उनकी बारात जो है वो दरवाजे तक ना आए और उनकी बेटी ऐसे ही बैठी रहे। आज उस बेटी के हाथों में लगी हुई मेहंदी अगर वो बार बार देखती होगी तो उसके दिल पर क्या बीतती होगी। अब आपको बता दें कि पुलवामा से जो है वो अरेस्ट कर लिया गया है। मैं तो यही कहूँगी ये भगोड़ा दूल्हा है, ये भगोड़ा दूल्हा है, इसे अरेस्ट कर लिया गया और उसके बाप को भी अरेस्ट कर लिया है। अब आपको ये भी बता दें कि पुलिस ने कहा है कि इसने जो है पूरे परिवार को चीट किया है और ये रहने वाला है कंदिजल एरिया पुलवामा डिस्ट्रिक्ट का। अब आपको बता दें कि यहाँ पर द कश्मीरियत की रिपोर्ट दावा करती है कि दूल्हे और उसके बाप को जो है दोनों को अरेस्ट किया है और 19/9/2023 तक इंतजार करते रहे बारात का, जबकि बारात को 16/9 को आना था। लेकिन अब आपको बता दें कि शाजिया अख्तर ने जो है FIR लॉन्च की है फयाज अहमद डार और मोहम्मद शब्बान डार के खिलाफ। अब आपको ये भी बता दें कि इन्हें जो है अरेस्ट किया गया है क्योंकि ये बारात लेकर नहीं पहुंचे थे। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अब ये निकाह को जो है वो निकाह नहीं मानते हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि दूल्हा जो है वो भाग गया, उसने अपने घर पर कहा कि मैं रुखसती के लिए नहीं जाऊँगा, यानी मैं अपनी दुल्हन को लेने नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं इस निकाह को निकाह नहीं मानता। पुलिस स्टेशन अवंतीपुरा की जहाँ तक बात करते हैं, उन्होंने FIR नंबर 182/2023 जो है वो दर्ज कर ली है अंडर सेक्शन 420 एंड 498 AIPC।
पुलिस स्टेशन अवंतीपुरा ने बाप और बेटे को पकड़ लिया। ये वो भगोड़ा दुल्हन है जो अपनी दुल्हन को शादी पर नहीं लेने गया, 4 साल पहले से निकाह किया था। इसके दिल में जो है जरा सा भी एहसास होता, ये अपने घर पर अपनी बहन को देखता, माँ को देखता, तो इसको पता चलता कि दूसरे की बेटी के साथ ऐसा कैसे होता है। हालांकि पुलिस पर पूरा विश्वास है, ये केस भी काफी ज्यादा हाईलाइट हो चुका है। पुलिस इस परिवार को इंसाफ दिलाएगी। और आज उस बाप के दिल पर जो बीत रही है, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो बेटी भी ठीक नहीं है। आप लोग जो है उनका ज्यादा से ज्यादा साथ दीजिए। ये ना कहिए कि उसकी बेटी जो है वो तमाम उम्र जो है आप कहीं नहीं जा पाएगी। कश्मीर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अल्लाह को मानते हैं, इस्लाम पर चलते हैं, वो उनकी ओर अपना हाथ बढ़ा लें। अगर आप एक बेटी से निकाह कर लेंगे तो कोई आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पुलिस ने इनको जो है पकड़कर अभी भी जेल के अंदर ही जो है लॉकअप के अंदर ही रखा हुआ है।